रूस यूक्रेन युद्ध अब एक नया मोड़ ले चुका है। यूक्रेन में कड़ाके की ठंड से पहले रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। कई मोर्चों पर रूस की सेना लगातार यूक्रेन को पीछे धकेल रही है, लेकिन इस सब के बीच रूस और अमेरिका के बीच एक बार फिर से सीधे टकराव के हालात बन गए हैं। उसकी वजह है अमेरिका का हॉक ड्रोन और B-1B स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, जो बाल्टिक सागर पर रूसी बॉर्डर के करीब मंडरा रहे थे। और अमेरिका के इन दो खतरनाक हथियारों का पता चलते ही रूस ने अपने दो लड़ाकू जेट्स उत्तरी और दक्षिणी बॉर्डर पर रवाना कर दिए। रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि बाल्टिक सागर के ऊपर रूस के बॉर्डर के करीब दो B-1B स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और ग्लोबल हॉक ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है। रूस का कहना है कि ये दोनों ही रूस के SU-37 जेट्स के पास आए और फिर रूस के बॉर्डर से दूर चले गए। रूस के मुताबिक हाल ही के दिनों में ऐसे कई वाकये हुए हैं जिनमें अमेरिकी ड्रोन और बॉम्बर्स रूस की सीमा के करीब आए। इससे पहले 14 मार्च 2023 को काला सागर के ऊपर रूसी लड़ाकू जहाज और अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन की भिड़ंत हुई थी। अमेरिका का ये ड्रोन काला सागर के ऊपर मंडरा रहा था, तभी रूस के दो SU-27 जेट्स अमेरिकी ड्रोन के सामने आ जाते हैं और वो उसके ऊपर ईंधन गिरा देते हैं। इसके बाद ये जहाज अमेरिकी ड्रोन के प्रोपलर को टक्कर मार देते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका को अपने इस ड्रोन को काला सागर में गिराना पड़ जाता है। इस पूरे वाक्य पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि रूसी एयरक्राफ्ट ड्रोन को टक्कर मारने से पहले 30-40 मिनट तक उसके आसपास मंडराते रहे थे। इसके बाद इन दोनों जेट्स ने एक एक करके ड्रोन को टक्कर मारी। इस पूरी घटना को लेकर अमेरिका ने उस वक्त कहा था कि उसका MQ-9 रिपर ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में नियमित ऑपरेशन पर उड़ान भर रहा था, तभी रूसी जेट्स ने उसे टक्कर मारी और मजबूरन हमें ड्रोन को समुद्र में गिराना पड़ा था।